मेरी तरह ऐसा बास्केट यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को वॉश करके रखने के बाद। लेकिन क्या आप अपने स्पून्स को भी उसी बास्केट में रख देते हैं? यहाँ ऐसा करने से आप अपना समय और एनर्जी दोनों वेस्ट करेंगे। जब आपको आपके छोटे स्पून्स की ज़रूरत होगी तो आप अपने बर्तनों को बस हटाते ही रह जाएंगे। और आप इस तरह के छोटे प्लास्टिक के बास्केट ले सकते हैं जो 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के आप अपने लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, या आपको स्टील के भी मिल जाएंगे। लेकिन स्टील का डिसएडवांटेज ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें रस्ट लग जाती है और वो बड़े ही ख़राब लगते हैं। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो जाएगा प्लास्टिक वाला, और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। आप इस स्पून होल्डर को आपके बास्केट के पास रख सकते हैं या अपनी बास्केट के साथ इसे हैंग कर सकते हैं। तो इसे हैंग करने के लिए मैंने ये ट्विस्ट टाइज का यूज़ किया है। आपको इजीली आप कोई भी इलेक्ट्रिक या हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। तो इसे अब मैं हमारी बास्केट के साथ हैंग कर दूँगी, और इसे लगाना भी बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं कितने इजीली मैंने हमारे बास्केट के साथ हमारे स्पून होल्डर को अटैच कर दिया है, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अब इस ट्विस्ट टाइज के एक्स्ट्रा पोर्शन को हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे, और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो रेडी हो गया है। इससे आपकी स्पेस भी सेव हो जाएगी। देखा आपने कितना इफ़ेक्टिव है ये हमारी टिप, जो हमारे किचन के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा टाइम सेव करने के लिए। अब आप इस होल्डर की हेल्प से बहुत इजीली आपके स्पून्स एंड स्पैचुलास ले सकते हैं। चलते हैं हमारे सेकंड हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है ये किचन सिंक जाली, जिसमें आप जब भी बर्तन वॉश करते हैं तो कोई भी कूड़ा बाहर पाइप के थ्रू जाने नहीं देता, और सारा कूड़ा इसी जाली में कलेक्ट हो जाता है, जिसे आप इजीली उठा के अपने डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। तो देखा ये कितना इफ़ेक्टिव है, और इससे हमारा काम भी कम हो जाता है। कई बार जब हम खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं तो हमें चटनी सॉसेज इसी तरह के छोटे बॉक्स में मिलती है, तो आप इसे फेंकिएगा नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है। इसका यूज़ मैंने हमारे किचन में रबर बैंड रखने के लिए किया है। तो देखिए किस कितने इजीली ये जो हमारे किचन के छोटे मोटे जो निकनेक आइटम्स होते हैं, कितने इजीली इसमें आ जा रहा है, और कोई बोल भी नहीं सकता कि ये बॉक्स हमने किसी चटनी या किसी सॉस का लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कितने सारे रबर बैंड इसके अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट हमने एक DIY बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने एक बास्केट में जूट रोप की हेल्प से डिवाइडर बना दिया है, जिससे कि अब हम दो पार्टीशन में इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं अनियन और पोटैटो रखने के लिए यूज़ करूँगी, जिससे कि हमारे आलू और जो हमारे प्याज है वो एक साथ मिक्स ना हो। मैंने यहाँ आलू और प्याज रखा है। आप इसकी जगह कोई भी फ्रूट्स भी रख सकते हैं, एंड आप इसे जितना भी शेक करेंगे ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा DIY है, जो हमारे किचन के लिए बहुत यूज़फुल है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप फ्रूट्स रखना चाहें, तो आप इस फ्रूट्स इसमें इस बास्केट में आप फ्रूट्स रख के इसे बास्केट को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये जो मैनुअल चॉपर है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट है, और इसके बिना तो मेरा किचन में काम ही नहीं होता है। तो ये इसमें सब्जियां चॉप करना या आप प्याज टमाटर कुछ भी चॉप करना इतना इजी हो जाता है ना, और इतनी फाइनली चॉप होती है, और आपको जितना कोर्स और इतना आपको फाइन चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसमें चॉपिंग कर सकती हो। अब आपको चाहे बच्चों के टिफ़िन रेडी करना हो या हस्बैंड का लंच रेडी करना हो, अब आपका काम बहुत इजी हो जाएगा इसके कारण। मार्केट में बहुत वैरायटी ऑफ चॉपर्स अवेलेबल है। आपको इलेक्ट्रिक चॉपर भी मिल जाएगा, मैनुअल चॉपर्स भी मिल जाएंगे, बैटरी ऑपरेटेड चॉपर भी मिल जाएंगे। बट मैनुअल चॉपर का प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इससे चॉपिंग करते हैं ना, तो आपके हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक साथ दो काम हो गए ना आपके इस मैनुअल चॉपर से।
देखिए यहाँ बातों ही बातों में हमारी वेजिटेबल्स भी चॉप हो गई है, और कितने फाइनली ये वेजिटेबल्स चॉप हुई है आप देख ही सकते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इनमें से कौन सी टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिक्रिएट विथ राखी। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।